गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पाइनस शुरू कर रहे हैं। साइकस हमने पिछले वीडियो में ख़त्म कर दिया था, साइकस का सब कुछ पढ़ लिया था, लाइफ साइकिल तक हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं पाइनस से। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पाइनस का क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो पाइनस का प्लांट आप देखिए, ये जो पिक्चर मैंने इसके ऊपर अपलोड की है, इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार के कोन्स आपको दिखाई देते हैं पाइन ट्री के अंदर, और ये जो लीव्स हैं ये बिल्कुल निडल लाइक लीव्स होती हैं। क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं हम, तो क्लासिफिकेशन में ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप स्पर्मेटोफाइट है, आपको पता है जिम्नोस्पर्म जो है वो स्पर्मेटोफाइट में इंक्लूडेड है क्योंकि वह सीड बनाता है, सीड बनाने वाला प्लांट है। सब डिवीजन है जिम्नोस्पर्म, डिवीजन है कोनीफेरोफाइटा, क्लास है कोनीफेरोप्सिडा, ऑर्डर है कोनीफरेल्स, फैमिली है पाइनेसी और जीनस है पाइनस। तो कोनीफरेल्स जो हैं बेसिकली ये ग्रुप जो है करीब 52 जेनरा इसके अंदर शामिल हैं और 550 स्पीसीज इसके अंदर पाई जाती हैं, इसमें से ही पाइनस एक है। कोनीफर्स जो हैं वो वुडी प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल होते हैं, और दो प्रकार की ब्रांचेस, ये मैं आपको कैरेक्टर बता रही हूँ कोनीफरेल्स के, कोनीफरेल्स या कोनीफेरोप्सिडा या कोनीफेरोफाइटा, इसके कैरेक्टर्स हैं ये कि कोनीफर प्लांट्स इसमें इंक्लूड होते हैं और वुडी होते हैं, ये पेरिनियल होते हैं। दो प्रकार की ब्रांचेस यहाँ पर पाई जाती है, लॉन्ग शूट ब्रांचेस और ड्वार्फ शूट ब्रांचेस। लीव्स जो हैं वह भी दो प्रकार की होती हैं, स्केली लीव्स एंड फोलियर लीव्स। तो जो फोलियर लीव्स हैं वह निडल शेप की या बहुत लीनियर होती है, बहुत पतली होती हैं। रूट जो है वो यहाँ पर टैप रूट सिस्टम पाई जाती है, और एक खासियत जो है रूट की वो ये है कि ये एसोसिएटेड रहता है विद माइकोराइज़ा। हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, माइकोराइज़ा मतलब फंगल एसोसिएशन है, फंगस के साथ रूट्स एसोसिएटेड रहती हैं। रेजिन कैनाल्स पाई जाती हैं रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है उसमें आपको ट्रैकीड्स, रेज एंड जाइलम पैरेन्काइमा दिखाई देंगे। प्लांट जो है वह डायोशियस भी हो सकते हैं और मोनोइशियस भी हो सकते हैं। यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स दोनों ही कॉम्पैक्ट मेल और फीमेल कोन्स बनाते हैं। मेगास्पोरोफिल की अगर बात करते हैं तो वो डिफ्रेंशिएटेड होता है ब्रैक्ट स्केल में और ओलीफेरस स्केल के अंदर, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपको फीमेल कोन पढ़ाएंगे। एक और खासियत का पॉइंट है कि पोलन ग्रेन जो होता है वो यहाँ पर विंग्ड भी हो सकता है बहुत बार, और इसका जो डिस्पर्सल है वो नॉन मोटाइल मेल गैमिट है, ये इसमें कोई आपको सीलिया वगैरह देखने को नहीं मिलेगा लेकिन इसमें विंग्स होते हैं, तो विंग्स की सहायता से ये जो है डिस्पर्स हो जाता है। फर्टिलाइजेशन जो है साइफेनोगैमस है, मतलब ट्यूब लाइक, जैसे कि साइकस में भी आपने देखा था पोलन ट्यूब फॉर्म हुई थी, तो यहाँ पर भी ये साइफेनोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है। एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं तो एम्ब्रियो डाई से पॉलीकॉटलीडोनस हो सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके की द्वारा ये हम बोल सकते हैं कि ये जो पाइनस प्लांट है इसमें ये सारे कैरेक्टर्स हैं, तो ये कोनीफरेल्स का मेंबर है। अब आगे चलते हैं मॉर्फोलॉजी पर। ये तो बात हुई क्लासिफिकेशन की कि किस प्रकार से पाइनस का क्या क्लासिफिकेशन है और वो किस प्रकार से अपने को कौन कौन से कैरेक्टर्स उसमें दिखाई देते हैं। जहाँ तक मॉर्फोलॉजी की बात है तो मॉर्फोलॉजी के अंदर पाइनस जो है बहुत ही बड़ा वुडी एवरग्रीन पेरिनियल प्लांट है, मतलब हमेशा बहुत सालों तक रहने वाला, जिसकी कि लाइफ साइकिल जो है कई सालों में पूरी होती है, पेरिनियल प्लांट से ये मतलब होता है। और ब्रांचेस जो हैं ये स्पायरली अरेंज्ड होती हैं प्लांट पे, तो स्पायरल अरेंजमेंट के कारण यहाँ पर जो प्लांट है उसकी जो शेप है वो पिरामिडल या कोनिकल शेप की होती है, कोनिकल या पिरामिडल शेप का प्लांट होता है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड एसिक्यूलर लीव्स। प्लांट बॉडी जो है यहाँ पर स्पोरोफाइट है ये, और ये प्लांट बॉडी जो है वो रूट्स और स्टेम और उसमें लीफ पाई जाती है। लीफ जो है वह निडल लाइक होती है यहाँ पर। अगर रूट की बात करते हैं तो टैप रूट सिस्टम है यहाँ पर, और कुछ रूट हेयर्स उसमें
शुरू में होते हैं और बाद में डिसअपियर हो जाते हैं, और लेटर ऑन लेटरल रूट्स डेवलप हो जाती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन और फिक्सेशन करती हैं। अल्टीमेटली जो ब्रांचेस होती हैं रूट की वो कवर्ड रहती हैं फंगल हाइफे से, और इस टाइप के एसोसिएशन को, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ही हैं, अंदर अंदर नहीं है, अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रही, ऊपर ही लगी हुई हैं वो फंगल हाइफे जो है ऊपर है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा। माइकोराइजा से मतलब है रूट का, पाइनस रूट का फंगस से एसोसिएशन इज माइकोराइजा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, छोटे प्रश्न में भी ये आ जाता है कि किस प्रकार का एसोसिएशन पाया जाता है पाइनस में, या तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि माइकोराइजल एसोसिएशन कौन से जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, तो उसमें आपको पाइनस लिखना पड़ेगा। और जो ये एसोसिएशन है ये एक तरीके से एक्टोट्रॉफिक है, मतलब बाहरी रूप से ही फंगस जो है रूट्स पे लिपटी हुई रहती है, अंदर पेनिट्रेट नहीं करती है। तो अगर प्लांट देखिए, अगर आप प्लांट का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये एक ब्रांच दिखाई गई है, और इस ब्रांच के अंदर आपको, जैसा कि मैंने आपको जो जनरल कैरेक्टर्स बताए थे कोनीफरेल्स के, उसमें भी आपको बताया था कि दो प्रकार की ब्रांचेज होती हैं, ये ड्वार्फ ब्रांच है और ये लॉन्ग शूट है। तो लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट, दो तरीके के शूट पाए जाते हैं, और जो ड्वार्फ शूट है उसी के ऊपर आप देखेंगे स्केली लीव्स लगी हुई हैं। इस डायग्राम में आप देखिए स्केली लीव्स लगी हुई हैं, और जो फोलिएज लीव्स हैं वो देखिए निडल शेप होती हैं, और इस जो ये जो पार्ट है इसको स्पर कहते हैं, ये जो पार्ट है ये स्पर कहलाता है, और ये लॉन्ग शूट है। तो लॉन्ग शूट पे ही ड्वार्फ शूट प्रेजेंट है, स्केली लीव्स प्रेजेंट है, उसमें कवर कर रखा है उसको, इसको भी कवर कर रखा है, और ये जो निडल लाइक लीव्स हैं ये फोलिएज लीव्स कहलाती हैं। ये आपको कोन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मेल कोन और फीमेल कोन, ये मेल कोन है यहाँ पर, ये फीमेल कोन है यहाँ पर, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। अब हम रूट की जो बात कर रहे थे, तो रूट के अंदर जो फंजाई प्रेजेंट होती है माइकोराइजा में वो स्पेशली स्पीसीज होती है एमेंशिया, बॉलिटस, स्क्लेरोडर्मा, ये सभी जो हैं मेंबर्स हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ के। आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा है बेसिडियोमाइसिटीज़, तो बेसिडियोमाइसिटीज़ के जो मेंबर्स हैं जनरली वही माइकोराइजा में एसोसिएटेड होते हैं पाइनस की रूट्स के साथ में। अब पाइनस की रूट के साथ में अगर फंगस एसोसिएटेड रहता है तो कोई ना कोई उसका फंक्शन होगा, तो फंक्शन ये है कि वो वाटर एब्जॉर्प्शन को इनक्रीज़ कर देता है, और एक तरीके से रूट हेयर का फंक्शन ले लेता है, क्योंकि यहाँ पर रूट हेयर जो है वो लूज़ हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। शुरू में यंग होती है जब रूट, तब तो रूट हेयर्स पाए जाते हैं, लेकिन ओल्डर रूट्स के अंदर रूट हेयर नहीं पाए जाते, और उनका फंक्शन जो है आप कह सकते हैं फंजाई ले लेती है। अब अगर हम एक माइकोराइजल रूट को कंपेयर करें नॉर्मल रूट से, तो क्या फ़र्क होता है ये देख सकते हैं। माइकोराइजल रूट जो होती है वो शॉर्ट होती है, थिक होती है, छोटी होती है, थिक होती है, इट लैक्स रूट हेयर्स, रूट हेयर्स नहीं पाए जाते, दे लैक रूट कैप, रूट कैप भी उसमें नहीं पाई जाती, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड होती है, और कवर्ड रहती है फंगल हाइफे से। तो ये कैरेक्टर्स हैं किसी भी माइकोराइजल रूट के। अब आते हैं हम स्टेम पे। अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम यहाँ पर सिलेंड्रिकल होता है, इरेक्ट होता है, और कवर्ड होता है बार्क से। ब्रांचिंग जो है एक ही साइड में होती है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग है। दो प्रकार की ब्रांचेस पाई जाती हैं, लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट। लॉन्ग शूट जो है उसको हम ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं, और जो ड्वार्फ शूट है उसको हम ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ भी कह सकते हैं। लॉन्ग शूट जो है वो एपिकल बड होता है उसमें, और वो इनडेफिनेटली ग्रो करती है, और बहुत सारे स्केली लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग शूट पे। ड्वार्फ शूट जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का एपिकल बड नहीं पाया जाता, इसी कारण से उसकी जो ग्रोथ है वह लिमिटेड होती है, और ये पाई जाती हैं लॉन्ग शूट पे। जो ड्वार्फ शूट हैं वो लॉन्ग शूट पे ही पाई जाती है, इन द एक्सल ऑफ स्केली लीव्स। आपको बताया कि जो लॉन्ग शूट है उस पर स्केली लीव्स पाई जाती हैं, उनकी एक्सल में से ही ड्वार्फ शूट निकलती है। तो एपिकल बड पाया जाता है लॉन्ग शूट पे, जिससे कि ग्रोथ हो सकती है, और वो ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड होती है।
लेकिन जो ड्वार्फ शूट है उसमें जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि उसमें एपिकल बड नहीं होता है। ड्वार्फ शूट, अब आप देख सकते हैं कि ये जो ड्वार्फ शूट है इट हैड टू स्केली लीव्स। ये ड्वार्फ शूट का डायग्राम है, इसमें दो स्केली लीव्स दिखाई गई हैं जिनको प्रोफिल्स कहते हैं। फिल मतलब लीव से है, प्रोफिल्स मतलब इनको, दो स्केली लीव्स को प्रोफिल्स कहते हैं, फॉलोड बाय 5 to 13 कैटाफिल्स। अब ये ऊपर की तरफ में आप देखिए ये कैटाफिल्स हैं, ये कैटाफिल्स जो हैं 5 से 13 तक हो सकते हैं अरेंज्ड, एंड 1 to 5 निडल्स। अब ये ड्वार्फ शूट के अंदर ये जो है ये निडल्स हैं या फोलिएज लीव्स हैं जो कि ड्वार्फ शूट पे लगी हुई होती हैं। तो नीचे की जो लीव्स हैं शुरुआत की दो स्केली लीव्स जो साइड्स में लगी हुई हैं वो प्रोफिल्स कहलाती हैं, देन फॉलोड बाय 5 से 13 जो है कैटाफिल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और ऊपर की तरफ में उसमें फोलिएज लीव्स लगी हुई होती हैं। लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो अभी आपको पहले भी मैंने बताया कि लीव्स दो प्रकार की यहाँ पाई जाती है, फोलिएज एंड स्केली लीव्स। स्केली लीव्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, ब्राउन कलर की होती हैं और स्केल लाइक होती हैं, और डेवलप्स ओनली ऑन लॉन्ग एज वेल एज ड्वार्फ शूट। लॉन्ग और ड्वार्फ दोनों ही शूट के ऊपर ये पाई जाती हैं। फोलिएज लीफ जो है वो सिर्फ ड्वार्फ शूट पे पाई जाती है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन द ड्वार्फ शूट। जो ड्वार्फ शूट होता है उसी के ऊपर फोलिएज लीव्स लगी हुई होती हैं। अब फोलिएज लीव्स जो हैं वो किस प्रकार की होती हैं, कैसा उसका अरेंजमेंट होता है, अगर हम वो देखते हैं तो आपको बताया कि फोलिएज लीव्स जो हैं वो ड्वार्फ शूट के ऊपर लगी हुई होती हैं, तो निडल शेप्ड होती हैं। एक तो वो निडल लाइक होती हैं, ये देखिए आप, ये निडल लाइक फोलिएज लीव्स है। उनका नंबर भी वेरी करता है स्पीसीज वाइज, जैसे कुछ स्पीसीज में एक भी मिल सकती है, किसी में दो मिल सकती हैं, किसी में 5 तक भी मिल सकती हैं। और इस तरीके का ये, इसको हम स्पर कहते हैं, ये जो ड्वार्फ शूट है जिसपे कि निडल लगी हुई है, एक लगी हुई है, दो लगी हुई है, 3 लगी हुई है, 5 लगी हुई है, इस स्ट्रक्चर को हम स्पर के नाम से जानते हैं। तो अ स्पर इज कॉल्ड यूनिफोलियर इफ़ ओनली वन लीफ इज़ प्रेजेंट। ये स्पर जो है इसको यूनिफोलियर कहा जाएगा अगर इसमें सिर्फ एक लीफ पाई जाएगी, मोनोफोलियर, जैसे पाइनस मोनोफिला। तो पाइनस मोनोफिला में सिर्फ एक ही निडल है, एक ही लीफ है, तो इसको मोनोफोलियर कहा जाएगा। अगर ये बायफोलियर है, अगर इसमें दो लीफ पाई जाती हैं, जैसे कि साइल्विस्ट्रिस, तो सिल्विस्ट्रिस के अंदर दो निडल हैं एक ड्वार्फ शूट पे, तो बायफोलियर कहलाएगा ये। ट्राईफोलियर जैसे कि जिरार्डियाना जो है, पाइनस जिरार्डियाना के अंदर ट्राईफोलियर कंडीशन है, मतलब 3 निडल पाई जाती हैं। और अगर इसी प्रकार से जैसे कि वेल्विशिया है, पाइनस वेल्विशिया है, उसमें 5 लीव्स पाई जाती हैं, पेंटाफोलियर। तो इस तरीके से ड्वार्फ शूट के ऊपर कितनी फोलिएज लीव्स पाई जाती हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो मोनोफोलियर है, बायफोलियर है, ट्राईफोलियर है या पेंटाफोलियर है, किस प्रकार का है। और इस जो ये जो पोर्शन है ड्वार्फ शूट पे निडल का पाया जाना, दिस इज़ नोन एज स्पर, इसको हम स्पर कहते हैं। ये जो निडल है इसी को बेसिकली किस अरेंजमेंट में ये है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ नोन एज स्पर। तो आशा करती हूँ आपको ये मॉर्फोलॉजी और क्लासिफिकेशन के बारे में जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो के अंदर हम एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे, रूट की एनाटॉमी देखेंगे, स्टेम की देखेंगे और ये लीफ की देखेंगे। इसमें आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है, एक तो माइकोराइजा पे क्वेश्चन आता है, तो माइकोराइजा क्या है वो बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको अरेंजमेंट पता होना चाहिए कि निडल जो है वो कैसे कहाँ लगा हुआ होता है, ड्वार्फ और लॉन्ग शूट किस प्रकार से होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकल सारे कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने होंगे। और इसको आप पाइनस को भी पढ़ना शुरू कर दीजिए अपनी किताब से भी, साथ साथ वीडियोस भी देखिए। किसी भी प्रकार की हेल्प अगर आपको चाहिए मुझसे, आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। प्लीज़ जो भी बच्चे इनको देख नहीं रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये चैनल जो हमारा है इसको सब्सक्राइब भी करिए और वीडियोस देखिए, क्योंकि यही माध्यम है, इसी माध्यम से हम आपको इस बार पढ़ा रहे हैं। और हमें नहीं पता है कब महाविद्यालय खुलेंगे और कब हम अपनी रेगुलर पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। तो आपसे फिर निवेदन है कि आप सारे वीडियोज़ देखिए,
कहीं पे भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।